ओम शांति। 14 फरवरी 2023। आज के बाबा की मुरली का सार है, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करो, ज्ञान के चिंतन में रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, एक्यूरेट याद क्या है, उसकी निशानियां क्या होंगी। बाबा पूछते हैं, एक्यूरेट याद क्या है और उसकी निशानियां क्या होंगी। बाबा ने उत्तर बताया, बड़े धैर्य, गंभीरता और समझ से बाप को याद करना ही एक्यूरेट याद है ना। धैर्य से, गंभीरता से और समझ से बाप को याद करना ही एक्यूरेट याद है। जो एक्यूरेट याद में रहते हैं उन्हें जास्ती करंट मिलती है, पापों का बोझा उतरता जाता है। जो बाबा को एक्यूरेटली याद करते हैं उन्हें बाबा की वाइब्रेशंस मिलती है, माना करंट मिलती है, पापों का बोझा उतरता जाता है, आत्मा सत्वप्रदान बनती जाती है, उनकी आयु बढ़ती जाती है, उन्हें बाप की सर्च लाइट मिलती है। बाबा कहते हैं, आत्मा सत्वप्रदान भी बन जाती है और आयु भी बढ़ती जाती है और उन्हें बाप की सर्च लाइट भी मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बीती सो बीती कर पहले अपने को सुधारना है, आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, जास्ती बोलना नहीं है। दूसरा पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर उनका दान कर बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। बाबा कहते हैं, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर उनका दान करना है और बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनना है, सबका प्यारा बनना है, अपार खुशी में रहना है। आज का वरदान है, कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्म योगी भव। बाबा कहते हैं, कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्म योगी भव। डिटेल है, कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। जो कर्म योगी होते हैं उन्हें दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। कर्म योगी अर्थात कर्म और योग दोनों कंबाइंड हों। किसी भी कर्म का बोझ अनुभव ना हो। बाबा कहते हैं, किसी भी कर्म का बोझ अनुभव ना हो, किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच ना करे। आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिलता है। बाबा कहते हैं, आत्मा अगर कमजोर होती है तो माया को जन्म मिलता है। कमजोरी को समाप्त करने का साधन है रोज की मुरली। बाबा कहते हैं, आत्मा की कमजोरी को समाप्त करने का साधन है रोज बाबा की मुरली सुनो। यही शक्तिशाली ताजा भोजन है। मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो तो माया की कीचड़ से सेफ रहेंगे। बाबा कहते हैं, मन की शक्ति द्वारा इस भोजन को ग्रहण कर लो, माना हजम कर लो,
तो माया की कीचड़ से सेफ रहेंगे। आज का स्लोगन है, सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। बाबा कहते हैं, महादानी कौन बनता है? जो सफलता की चाबी से खजानों को सफल करते हैं। अच्छा, ओम शांति।